फाइनल मेरिट में शामिल जो स्टूडेंट हैं उनको अब आगे क्या करना होगा, क्या क्या प्रोसेस का हिस्सा अभी बचा हुआ है, आपके डॉक्यूमेंट्स, मेडिकल, पुलिस वेरिफिकेशन कब होंगे, कैसे होंगे, ज्वाइनिंग आपकी कब तक होगी और नई भर्ती कब आएगी, कितने पदों की होगी। रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप। नमस्कार, रिम डिफेंस एकेडमी में आप सबका स्वागत करता हूं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती के बारे में आज मैं बात करूंगा, जिसमें जिस भर्ती का अभी फाइनल रिजल्ट आया है उसके बारे में बात होंगी और साथ में नई वैकेंसी आपकी कब आ सकती है, कितने पदों की हो सकती है, तैयारी आपको कैसे करना है, तो इन सारी चीज़ों पे मैं इन पॉइंट्स पर बात करूंगा। तो जो बच्चे पहली बार चैनल पे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं डिफेंस की कोई भी तैयारी करने के लिए, और जो मेरे नियमित स्टूडेंट हैं जो इस भर्ती से किसी भी रूप में जुड़े हुए हैं उनके लिए जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहले तो जो दोस्त भाई साथी मेरे असफल हुए हैं तो उनके लिए मेरा एक संदेश है एक तरह का, ये कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, और जिंदगी में बेटा अपना माइनस पॉइंट जान लेना ही अपना प्लस पॉइंट होता है, तो आपकी क्या कमी रही है इसमें उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ज़्यादातर बच्चों के साथ जो हुआ है उसमें जो पेपर के अंदर जो मैथ्स वाला पार्ट जो शामिल किया गया था उसकी वजह से बहुत बच्चों को निराश होना पड़ा है, और वैसे भी बेटा ये कंपटीशन एग्ज़ाम है, जितने बच्चे इसमें एग्ज़ाम में बैठे थे सबका सिलेक्शन नहीं होना था, आपका अगर होता तो दूसरे का नहीं होता, दूसरे का हुआ है तो आपका नहीं हुआ, तो ये कंपटीशन एग्ज़ाम है, इसमें ये सब चलता रहता है, तो इससे कभी निराश नहीं होना है और कभी भी ये जिम्मेवारी दूसरों पे नहीं डालनी है, अपनी जिम्मेवारी खुद लेनी है, अपनी कमियों को पहचानना है और आगे आने वाली वैकेंसीज के लिए फिर से उठ के खड़ा होना है, दोबारा से तैयारी शुरू कर देनी है। अभी आप उनसे तो बेहतर है जिन लोगों ने अभी तैयारी शुरू नहीं की है, जो जिनका लास्ट चांस था, ये जो ओवर एज हो चुके हैं वो अब दूसरी एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं, जैसे अभी एनटीपीसी की वैकेंसी निकली हुई है, राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकलने वाली है अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, और दूसरी वैकेंसी भी बहुत अभी आने वाली है। और याद रखना बेटा, छुपकर अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के खो जाने से जीवन नहीं मरा करता है, तो एक चांस अगर हमारा ये नुकसान हुआ है तो कोई बात नहीं, इससे बेस्ट कुछ ना कुछ होने वाला है लाइफ में, इसीलिए हमारे साथ ऐसा हुआ है। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, ये तो सिर्फ एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है, तो कंपटीशन लाइन में हमारी ये तो एक शुरुआत है। और जो बच्चे बेटा सफल हुए हैं वो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो पहली बार में सफल होते हैं, तो जो बच्चे पहली बार अगर असफल हुए हैं उनको तो निराश होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पहली बार में कोई सफल नहीं होता है, सबको पहले असफल होना पड़ता है और उसके बाद दूसरे चांस में या तीसरे चांस में सफल होते हैं, और सफल वही होते हैं जो अपनी गलतियों को सुधारते हैं, जो ध्यान नहीं देते हैं, जो अपनी गलतियों से कुछ सीखते नहीं है, दोबारा से उठ के समय पे खड़े नहीं होते हैं, दोबारा से पूरी प्लानिंग के साथ तैयारी नहीं करते हैं, उनको बार बार निराश होना पड़ता है। तो जो बच्चे बार बार निराश हो रहे हैं वो भी अपनी दोबारा से प्लानिंग करिए और उसके बाद में उठ खड़े होइए, दोबारा से आपके लिए नए रास्ते इंतजार कर रहे हैं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भी नई वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है, तो उसमें आपको दोबारा से मौका मिल सकता है, और मेरे 13 साल के इस कंपटीशन लाइन के अनुभव में मैंने देखा है कि बहुत से बच्चे हैं जो पहली बार में नहीं हो पाए, दूसरी बार में भी नहीं हो पाए, तीसरी बार में हो गए, बहुत से बच्चे ऐसे जो दो बार तीन बार नहीं हो पाए लेकिन उसके बाद दूसरी किसी वैकेंसी में सेलेक्ट हो गए, जिन्होंने बीएड कर रखा है, एसटीसी कर रखा है, वो टीचर लाइन में चले गए, कुछ लोग पटवारी ग्राम सेवक बन गए, तो ऐसे कहीं ना कहीं आपके लिए इससे बेहतर जॉब इंतजार कर रहा है, शायद इसीलिए आपका हुआ नहीं होगा, तो इसको एक चुनौती की तरह से लेना है। हारने वालों के चेहरे पे भी एक मुस्कान होनी चाहिए, क्योंकि अफसोस तो उन्हें होना चाहिए जो मैदान में शामिल ही नहीं हुए, यहाँ तक आप पहुँचे हैं, रिटर्न एग्जाम आपने पास किया है, उसके बाद फाइनल मेरिट में तो रहे हैं, तो आप तो औरों से कितना बेहतर हैं जो लोग पहले ही निराश हो गए, कुछ लोग 40% नहीं ला पाए सीईटी में, कुछ लोग 15 गुणा में शामिल नहीं हो पाए, कुछ लोग फिजिकल नहीं पास कर पाए, कुछ लोग रिटर्न में 40% नहीं ला पाए, आपने कितनी सीढ़ियां लगातार चढ़ी है और अब आखिर में जाके थोड़ा सा कोई ना कोई कमी और रह गई जिसकी वजह से हमें निराश होना पड़ा है,
आपके लिए ये नेगेटिव चीज नहीं है, ये नकारात्मक नहीं है, आपके लिए ये सकारात्मक है और इसको पॉजिटिव रूप में लीजिए, जिससे आपका सपना भी गवर्नमेंट जॉब का पूरा हो सके। अब इसके बाद फाइनल मेरिट में शामिल छात्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं, जिनका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है उनके लिए अब आगे क्या होने वाला है, तो उनके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा अभी, इसके साथ में उनका मेडिकल होगा और पुलिस वेरिफिकेशन होगा, ये तीन काम अभी आपके बचे हुए हैं। तो डॉक्यूमेंट्स के लिए मेरा बड़ा वीडियो है अलग से डॉक्यूमेंट्स का, 17 पॉइंट उसमें दिए हुए हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, कैसे तैयार करने, वो वीडियोज आप देख लेना। इसके अलावा कुछ जो शपथ पत्र बनाने होते हैं, जो एफिडेविट्स जो बनते हैं, उनके लिए आपको चिंता नहीं करना है। अगर आपको इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं वहाँ से किसी प्रकार के बना के ले जाने के लिए, आपको समझ में आ जाते हैं, तो आप बना सकते हो। अगर बना नहीं पाते हो, किसी कारण से टाइम कम होता है, शॉर्ट होता है, कोई डॉक्यूमेंट्स अगर अधूरा होता है, तो आपको जिस डेट पे वहाँ बुलाया जाता है उस डेट पे आप पहुँच जाइए, जितने डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास उन सबको लेके। अब आपको डॉक्यूमेंट्स में किसी भी बच्चे को बाहर नहीं किया जाएगा, चाहे आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट है, कोई पुराना नए का मैटर, चाहे आपका मूल निवास है, चाहे आपके कोई जो शादी से संबंधित जो विवाह प्रमाण पत्र है, या और किसी तरह के आपके सर्टिफिकेट जो मांगे हैं, शपथ पत्र जो मांगे हैं, उनके लिए आपको बाहर नहीं किया जाएगा। आपको चिंता नहीं करनी है, वहाँ भी शपथ पत्र बन जाते हैं, सब जगह कोर्ट होते हैं, सब जगह एफिडेविट बनते हैं, और अगर कोई फॉर्मेट में चेंज होता है तो भी आपको चिंता नहीं करनी है, दोबारा दूसरा वहाँ बनाया जा सकता है, एक दो दिन का डिले हो सकता है, बट किसी भी सूरत में डॉक्यूमेंट्स में कोई बाहर नहीं होगा। इसके बाद आती है मेडिकल की बात, तो मेडिकल सरकारी हॉस्पिटल में होगा, जिस जिले में आपकी ज्वाइनिंग होनी है उसी जिले के सरकारी हॉस्पिटल में होगा। आप आंखों की जांच एक बार जरूर करा लें, चश्मे वालों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर कलर ब्लाइंड है तो उस कंडीशन में आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, शुरू में ही स्टार्टिंग में ही आप ध्यान रखेंगे तो आपका काम चल सकता है। कलर ब्लाइंड में किसी किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ जाती है, बाकी और फ्लैट फुट, नोकनी, वेरिकोज वेन्स वगैरह, इस तरह की कान में कोई प्रॉब्लम अगर पहले से है और उसका इलाज आपने करवा लिया है तो उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल नॉर्मल मेडिकल होता है। और फिर भी अगर किसी बच्चे को दिक्कत आती है तो किसी भी प्रकार की राय लेने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, इस नंबर पर मेरे से बात कर सकते हैं, जिससे आपकी उचित मदद की जाएगी, आपको सही गाइडेंस दी जाएगी। बट मेडिकल की वजह से किसी भी बच्चे को शायद बाहर नहीं किया जाता है, तो आप भी टेंशन मत करिए, कलर ब्लाइंड के अलावा कोई दिक्कत नहीं आती है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पुलिस वेरिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पुलिस से संबंधित अगर आपका कोई मामला पहले कभी हुआ है, आप गिरफ्तार हुए हैं, आपका कोई मामला पेंडिंग चल रहा है या न्यायालय में अभी लंबित है, तो उन बच्चों को थोड़ी सी असुविधा हो सकती है, तो वो अपना पहले मामला निपटा ले और कोई भी चीज़ पुलिस वेरिफिकेशन में छुपाए नहीं। अगर जो भी चीज़ आपके हुई है वो आप साफ साफ बताएं, जिससे कि उसका समय पे उसका इलाज हो सके, समय पे उसका समाधान हो सके और आपकी ज्वाइनिंग सुनिश्चित हो सके। आखिरी दिनों में बेटा किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, सेफ्टी से गाड़ी घोड़े चलाने, किसी पार्टी वार्टी में ज़्यादा बदमाशी नहीं करनी है, किसी तरह का आपको जोश नहीं दिखाना है, जिससे कि आपको कोई नया मुकदमा लग जाए, कोई नई परेशानी आपके लिए खड़ी हो जाए, इस तरह की चीज़ों से भी अब आपको बच के रहना है। इसके बाद नई भर्ती कब आएगी और कितने पदों की होगी, तो 9000 पदों के लिए घोषणा हो चुकी है राजस्थान पुलिस के लिए, जिसमें सब इंस्पेक्टर के पद भी हो सकते हैं, ASI के पद भी हो सकते हैं और कांस्टेबल के पद तो होंगे ही होंगे, तो ये बड़ी भर्ती हो सकती है अभी जो आने वाली है, लेकिन ये CET के आधार पर होगी और CET का भी फॉर्म ऑनलाइन भरे जा चुके हैं, अभी एग्जाम अक्टूबर में होने वाली है, अक्टूबर में एग्जाम होगी, रिजल्ट कर्मचारी चयन बोर्ड पे डिपेंड करता है, नवंबर में निकालता है, दिसंबर में निकालता है, और जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके बाद में तुरंत नई वैकेंसी आने वाली है, और इस बार पहले रिटर्न एग्जाम होगा, क्योंकि 15 गुना की कोई लिमिट नहीं रखी है, 40% वाले सारे पास होंगे, तो CET के पेपर पे डिपेंड करता है, अगर CET का पेपर नॉर्मल रहा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आराम से लगभग पुलिस कांस्टेबल के लिए 5-7 लाख बच्चे आवेदन करेंगे, जिनका पहले फिजिकल होना संभव नहीं है, तो पहले आपका रिटर्न एग्जाम ही होगा 150 प्रश्नों का, वही सेम पैटर्न पे, तो उसकी तैयारी आप अभी से शुरू कर दीजिए। जनवरी फरवरी में हर सूरत में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी होगी आपके लिए, और मई जून से पहले उसका एग्जाम भी हो सकता है, तो आप अपनी तैयारी अभी से 5-6 महीने का टाइम है शुरू कर दीजिए। तैयारी करने के लिए रिम डिफेंस एकेडमी जयपुर, हॉस्टल फैसिलिटी बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए, रिटर्न और फिजिकल आप दोनों कर सकते हैं, और दूसरे भी अगर किसी प्रकार की डिफेंस की आपको तैयारी करनी है तो उसके लिए भी आपका स्वागत है, आराम से आप यहाँ रहकर तैयारी कर सकते हैं। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, RPF, SSC, GD, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, NDA, CDS, सभी तरह की तैयारी आप यहाँ कर सकते हैं। इससे संबंधित अगर और आपके मन में कोई डाउट रह गया तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं या मेरे से बात कर सकते हैं,
और अगर कोई जानकारी और चाहिए तो आप इसके लिए इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।